अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक ऐसे वक्त में जब स्वीडन में कुरान मजीद की गुस्ताखी से पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के दिल रंजीदा और मगमूम हैं, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कुरान मजीद का एक ऐसा मोजज़ा सामने आया है जिसको देखकर इंसान दंग रह जाते हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अंदाज़ा कीजिए कि इसको अगर दुनिया के बड़े बड़े इदारे रिपोर्ट ना कर रहे होते तो शायद इसको मैं भी ना मानता और आप भी यकीन ना करते। ये बच्चा, इसका ताल्लुक अलजज़ायर से है और अलजज़ायर के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप शुरूक ने इसको रिपोर्ट किया है। दीगर अरब मीडिया चैनल्स भी इसका बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं या इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बच्चे के मुतल्लक इसकी वालदा का कहना यह है कि यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। यकीनन ऐसी ही बात है कि दो साल का बच्चा, यानी दो साल उसकी उम्र अभी हुई नहीं है, दो साल से उम्र कम है, दूध पीता बच्चा है, शीरखार बच्चा है, लेकिन वो कुरान मजीद की जो भी आयत पढ़ी जाती है उस आयत के आगे पढ़ना शुरू कर देता है। इस बच्चे की वालदा का कहना है कि यह बच्चा सूरह अल बकरा से लेकर सूरह अन्नास तक तमाम सूरतों के नाम बता सकता है, इसी तरह सूरह नास से लेकर सूरह बकरा तक, यानी उल्ट भी तमाम सूरतों के नाम बता देता है। कोई भी आयत पढ़ी जाती है उसकी अगली आयत पढ़ के सुना देता है। इस बच्चे का तीसरा अजीब व गरीब कारनामा या करामत कह लीजिए या अल्लाह का इस बच्चे के ज़रिए से मौजज़ा ये है कि ये दुनिया भर के मशायख़ इकराम, कुर्रा इकराम, आलमी कुर्रा इकराम की आवाज़ को शनाख्त कर लेता है, उनकी आवाज़ को सुन के उनका नाम बता देता है। और ये बच्चा सऊदी अरब में होने वाले सबसे बड़े तिलावत कुरान मजीद के मुकाबले में कम उम्र तरीन हाफज के तौर पर, कारी के तौर पर, मशारक के तौर पर शिरकत कर चुका है। इसको सनद मिल चुकी है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म सऊदी अरब का रमज़ानुल मुबारक में जहाँ तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक और गैर इस्लामी ममालिक से हज़ारों की तादाद में चुनिंदा और मुंतखब कुर्रा इकराम आते हैं, वहाँ ये दूध पीता बच्चा गया और सनद लेके लौटा। ये बच्चा अब हदीस मुबारका को भी याद कर रहा है, पढ़ रहा है। यकीनन नाज़रीन इकराम पूरी तारीख इंसानी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगरचे कई बार दावे किए गए लेकिन वो बाद में झूठ साबित हुए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सच्ची दास्तान एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुरान मजीद पर लोग सवालात उठा रहे हैं, उसकी गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के दिल रंजीदा हैं, गमनाक हैं। ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये इंतहाई शानदार मौजज़ा सामने आया है जो आज तक की मालूम तारीख इंसानी में किसी किताब में और किसी तारीख में हमें नहीं मिलता कि दो साल का बच्चा जो कोई लफ्ज नहीं बोल सकता, बमुश्किल कभी अगर हम उसे सिखाते हैं तो वह मामा या बाबा कहना सीखता है, यह बच्चा कोई और कलाम नहीं करता, यह बच्चा कोई और अरबी लफ्ज नहीं बोलता, कोई और जुबान नहीं बोलता, लेकिन कुरान मजीद के बारे में इसका दिल और इसका शरह सदर ऐसा हो चुका है कि ये इस तरह का मुजाहिरा करता है। आयत पढ़ो तो आगे आयत पढ़ता है, कुर्रा इकराम के नाम बताता है, और ये भी बताया गया है कि ये तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ता है लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। जाहिर है यही कुरान मजीद में मौजूद है कि तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, तो गोया के ये एक पदायशी हाफज का इसे नाम दिया जाता है। कुछ और भी चीजें सोशल मीडिया पर इस बच्चे के वालदैन के हवाले से हैं लेकिन उनकी जाहिर है मैं तस्दीक नहीं कर सकता। मसलन ये बताया गया है कि इसकी वालदा के पेट में जब ये बच्चा था तो उन्होंने कुछ ख्वाब देखे और उस ख्वाब में कुछ सहाबा कराम नज़र आए, उन्हें एक सफ़ेद दीवार नज़र आई, वहाँ एक मोती लगा हुआ था, तो जनाबे साद इब्ने अभी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वालदा कहती है कि मुझे महसूस हुआ कि वो सहाबा हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये मोती ले लीजिए, मैंने ये मोती ले लिया। अब जब ये बच्चे के मुँह से इस तरह के कलेमात निकले, कुरान मजीद की आयात निकली, ये हर सजदे के मुकाम पर कुरान मजीद के ये सजदा भी करता है, तो बताया जाता है कि सोशल मीडिया के मुताबिक वालदा पहले तो परेशान हो गई कि शायद कुछ लोगों ने कहा नफसियाती मसला है, डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, उन्होंने कहा कोई नफसियाती मसला नहीं है, फिर कहा गया इसको जिन्नात का साया है। वो कहती मैं एक बहुत बड़े आलम दीन के पास लेकर गई, जब आलम दीन ने जिन्नात के इजाले के लिए इस पर कुरान मजीद की तिलावत शुरू की तो इस बच्चे ने भी आगे से कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया, तो आलम दीन ने बताया कि नहीं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं, बस ये अल्लाह का एक मौजज़ा है, अल्लाह ताला का एक नादर नमूना दुनिया के सामने लाया गया है, इसको और कोई मामला नहीं। चुनांचे ये बच्चा इस वक्त
यकीनन ये एक ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत मुसलमा के सामने कुरान मजीद का मौजज़ा खड़ा किया है, जिससे मुसलमानों के दिल कुरान मजीद के और करीब होते हैं, जिससे मुसलमानों को कुरान मजीद के साथ ताल्लुक में फरहत, ताजगी, इनबिसात महसूस होती है। और वो लोग जो कुरान मजीद की तौहीन करते हैं, उन्हें भी मेरे अल्लाह ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है, उन दावा किया है कि देखो जिस कुरान मजीद को तुम मानना नहीं चाहते, उसकी तौहीन करना चाहते हो, देखो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें एक ऐसा चैलेंज दे दिया गया। तुम्हारी साइंस, तुम्हारी तरक्की आज तक तुम्हें यह बताती है कि एक शीरखार बच्चा वो तो आम जुबान नहीं बोल सकता, लेकिन यह मेरे अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है कि यह बच्चा कुरान मजीद का कारी, कुरान मजीद का हाफिज, कुरान मजीद का मुहाफिज बन के सामने आया है। यकीनन ये तमाम मुसलमानों के लिए मुबारक वक्त है, मुबारक लम्हा है, और अपने ईमान पर, अपने कुरान पर, अपने यकीन पर डट जाने का एक बहुत बड़ा इशारा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे से दीन का बहुत काम ले। उम्मत मुसलमान की आंखें यकीनन इस खबर को सुन के ठंडी होंगी, और कुरान पर और अल्लाह पर और आखरत पर और नबी अलैहिस्सलाम यानी साहब कुरान पर उनका यकीन और मुस्तहकम होगा। और ये दलील बन के सामने आया है कि अल्लाह के फजल से जो दीन हमें अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है वो एक सच्चा दीन है, कुरान सच्चा है, नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है। ये पूरी दुनिया के सामने ये बात अब इंशाल्लाह जाहिर भी हो गई है, और मजीद इस तरह की निशानियां, वजह से कुरान मजीद के बारे में कहा जाता है कि ला यनकजी अजायबहू, इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे, कुरान मजीद के मौजज़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। हर आने वाले अहद में, हर आने वाले दौर में कोई नया मौजज़ा कुरान मजीद से मुतल्लिक़, कोई नई बात ये दुनिया को हैरान करती रहेगी, मबहूत करती रहेगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से सच्चा ताल्लुक बनाने वाला मुसलमान बनाए, कुरान मजीद का फहम अता फरमाए, कुरान मजीद का हाफिज और मुहाफिज बनाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।